रायसेन जिले के सुल्तानपुर थाना इलाके के ग्राम घाट पिपलिया में शादी समारोह में गए भोपाल के एक परिवार के साथ एक दर्जन बदमाशों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वह काशी फैमिली राजपूत रेस्टोरेंट देह गांव में चाय पी रहे थे। बदमाश राहुल राय, पप्पू कीर, अरुण आदिवासी और अजय कीर ने महिलाओं को देखकर अश्लील कमेंट्स करने लगे। जब पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो हथियारों से लैस बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया और रेस्टोरेंट में भी तोड़फोड़ कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस हमले में 3 से 4 लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, घायल हो गई। इतना ही नहीं, बदमाशों ने इनकी गाड़ियों के कांच भी तोड़ दिए। उमर नामक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है, जिससे भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मौके पर पुलिस नहीं पहुंची, रेस्टोरेंट के किचन में छुपकर बच्चों और महिलाओं की जान बचाई। इसमें 2-3 महिलाओं के साथ हाथापाई करते हुए बदमाशों ने कपड़े भी फाड़ दिए। पीड़ित परिवार ने सरकार और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। जी, मुझे कुल्हाड़ी मारी थी, मेरे गोद में बच्ची थी, उसका भी लिहाज नहीं करा और कुल्हाड़ी फेंक के मारी, बच्ची बच गई। हमारे हाथ में जी कंधे पे लग गई। हम लोग शादी के फंक्शन में गए थे, रुकते टाइम चाय पीने के लिए रुके, तो बस वही बदतमीजी करने लगे 4-5 लोग आके। वो 4-5 लोग थे पहले जी, फिर बाद में बहुत सारे हो गए, 15-20 पूरा घेर लिया। राहिल, क्या हुआ था? हम लोग वहाँ पर बैठे जाके वहाँ पर ही ना चाय पी रहे थे, और ना एकदम से अचानक से बहुत सारे लड़के आए, हम लोगों के साथ बदतमीजी करने लगे, छेड़खानी करने लगे। फिर हम हमारे भाइयों को गुस्सा आया, तो उन लोगों ने कहा क्यों कर रहे हो ऐसा, तो है ना, फिर और गंदी गंदी गालियाँ बकने लगे, हम लोगों को कमेंट्स मारने लगे, फिर हम लोगों के साथ पास आने लगी, फिर लोगों को है ना हम लोगों को फिर हमला करने लगे जानलेवा, जिससे हमारे भाई की दौड़ थे। आपको भी चोट आई है? हम लोग सबको थोड़ी थोड़ी लगी है। तो आप इनको जानती हैं क्या? कौन लोग? नहीं जानते। वो भी भोपाल के थे क्या? नहीं पता, हम लोगों को कुछ भी जानकारी। पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस सब कुछ खत्म हो गया था जब इनको भी सुल्तानपुर ले गए थे अस्पताल, जब आई थी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? कुछ भी नहीं हो रहा। अभी कुछ हुआ? अभी तक बयान बयान हुए आपके? अभी नहीं। तारिक खान, क्या हुआ था? सर, मैं ना अपनी बहनों के साथ वहाँ पर चाय नाश्ता कर रहा था ढाबे पे बैठकर। ढाबे का नाम हूँ काशी ढाबा, काशी राजपूत ढाबा। चाय पी रहा था सर वहाँ पर, मैं बैठ के वहाँ पर है ना 4-5 लोग आए कार के अंदर और बदतमीजी से है ना हम लोग से बात करी, बहनों से है ना बहुत बदतमीजी से करा। एक बहन का मेरे कपड़े भी फाड़े उसके, तो इस पे से मैंने उनको रोका, उनको धक्का दिया, तो उन्होंने मुझे है ना लिटाया, लात मारी और है ना स्टिक से इतना मारा पैर में कि मेरा पैर टूट गया। कितने लोगों को चोट आई थी सर? मुझे आई है, मेरे बड़े वाले भाई को भी आई है और एक और भाई है उनको भी आई है। आपकी गाड़ी के कांच भी तोड़े हैं? जी, हमारी गाड़ी के पूरे कांच तोड़ दिए और बहनों को भी पत्थरों से मारा, बच्ची के गले पर छुरी रख ली थी। फिर जब वो बढ़ गए और ज़्यादा लोग आ गए, 15-20 लोग और आ गए, उन्होंने भी यही करा, सबने पत्थर कोई फेंक के मार रहा था, वो तो फैमिली वालों को किचन में बंद कर दिया हम लोगों ने। जब भी किसी को भी चोट आई, किसी के हाथ में लगी, किसी के पैर में, और जो उनके हाथ में आया उसको पकड़ लिया, उसको मारा डंडे से, स्टिक से, जो उनके हाथ में आ रहा था मार रहे थे। पुलिस कितनी देर में पहुंची? पुलिस नहीं पहुंची सर इस सब मामले में, पुलिस है ना लास्ट में जब मुझे हॉस्पिटल ले गए उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची। हॉस्पिटल जाने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की, अभी तक उन्हें पकड़ा भी नहीं। हमला करा आप जानते हैं? नहीं सर, मैं जानता नहीं हूँ उन्हें। आप क्यों गए थे सुल्तानपुर? सर, मैं शादी में गया था, मामू की लड़की की मंगनी थी। अच्छा जी, तो ये ढाबे क्यों उतरे थे? नाश्ता करने गए थे सर चाय ढाबे पे। चाय हमारे साथ, हम 9 लोग थे, बहन भाई सब मिल के। कितनी गाड़ियाँ थी? 3 गाड़ियाँ थी हमारी। पहले से कोई आपका विवाद, कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।